एक छोटा सा टॉपिक है दैट ऑफ और दोज ऑफ। है तो ये छोटा सा टॉपिक लेकिन अक्सर लर्नर यहाँ कंफ्यूज रहते हैं और पता नहीं क्यों बहुत सारे टीचर्स इसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं मानो कि कितना बड़ा टॉपिक हो, जबकि यह एक बहुत मामूली टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आइए सीखें कि दैट ऑफ और दोज ऑफ का सही इस्तेमाल क्या है। अगर मुझे कहना हो भारत की हाथियों की तुलना में अफ्रीका की हाथियाँ बड़ी होती हैं, तो अगर आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे द एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका आर बिगर देन द एलिफेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आपके सेंटेंस में एक नाउन का रिपीटिशन है। कहने का मतलब है अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जहाँ कोई नाउन रिपीट हो जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में एलिफेंट्स दो बार आया हुआ है, तो यहाँ पर नाउन एलिफेंट्स रिपीट हुआ। और जब आपके सेंटेंस में कोई नाउन रिपीट हो जाए तो यह ग्रामेटिकली एरर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ कोई नाउन रिपीट हो जाता है तो उसकी रिपीट से बचने के लिए अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो वहाँ पर आप लिखेंगे दैट ऑफ, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आप वहाँ पर लिखेंगे दोज ऑफ, यानी आप उस नाउन के जगह पर दैट ऑफ या दोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर एक प्लूरल नाउन आया हुआ है जो है एलिफेंट्स, तो यहाँ पर मैं एलिफेंट्स के जगह पर लिखूंगा दोज ऑफ, जैसे द एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका आर बिगर देन दोज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के हाथियों की तुलना में अफ्रीका की हाथियाँ बड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने इस सेंटेंस में एलिफेंट्स के जगह पर बोला दो जॉब, यानी मैं उस नाउन को रिपीट होने से बचा लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, क्योंकि किसी सेंटेंस में नाउन की रिपीटिशन एरर होती है, यानी गलती होती है। अगर आपको कहना हो कि अमन के बगीचे की तुलना में रवि का बगीचा खूबसूरत है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द गार्डन ऑफ रवि इज मोर ब्यूटीफुल देन द गार्डन ऑफ अमन। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर एक नाउन रिपीट हुआ, जैसा कि मैंने बोला गार्डन गार्डन, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो दूसरे नाउन के जगह पर लिखे दैट ऑफ, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो, अगर वो प्लूरल है तो आप लिखेंगे दोज ऑफ। तो यहाँ पर जो नाउन आया है वो है गार्डन, यानी वो सिंगुलर है, तो आप इस नाउन की जगह पर बोलेंगे दैट ऑफ, यानी इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द गार्डन ऑफ रवि इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ अमन, यानी अमन के बगीचे की तुलना में रवि का बगीचा खूबसूरत है। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इस गांव के लोगों की तुलना में उस गांव के लोग दयालु हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पीपल ऑफ दैट विलेज आर मोर काइंड देन द पीपल ऑफ दिस विलेज। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पर एक नाउन रिपीट हुआ जो था पीपल पीपल, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरे नाउन के जगह पर आप लिखें दोज ऑफ, जैसे द पीपल ऑफ दैट विलेज आर मोर काइंड देन दोज ऑफ दिस विलेज। अब यहाँ पर आपने किसी नाउन को रिपीट होने से बचा लिया, जो एक करेक्ट सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि दैट ऑफ और दोज ऑफ क्या है, यानी कब आपको बोलना है दैट ऑफ और कब बोलना है आपको दोज ऑफ। जयपुर की जलवायु की तुलना में रांची की जलवायु अच्छा है, तो अगर आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी नाउन का रिपीटिशन हुआ है, यानी आप देख सकते हैं क्लाइमेट क्लाइमेट। तो अगर आप इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरे नाउन के जगह पर आप कहेंगे दैट ऑफ, यानी द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। ये हुआ आपका करेक्ट सेंटेंस। इस कॉलेज के विद्यार्थियों की तुलना में उस कॉलेज के विद्यार्थी ज्यादा होशियार हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने इस सेंटेंस में एक नाउन को रिपीट कर दिया जो था स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरे नाउन के जगह पर लिखे दोज ऑफ, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दैट कॉलेज आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ दिस कॉलेज, यानी इस कॉलेज के विद्यार्थियों की तुलना में उस कॉलेज के विद्यार्थी ज्यादा होशियार हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब कोई नाउन रिपीट हो जाता है, यानी किसी सेंटेंस में एक ही नाउन दो बार आ जाए तो उस दूसरे नाउन की जगह पर हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का इस्तेमाल करके उस नाउन के रिपीटिशन से बचते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।